तो महालय का सुबह शुरू होती है हार्ट ऑफ लामडिंग जो कि कालीबारी से है। यू कैन सी द क्राउड। अंदर प्रोग्राम हो रही है। हमारा 158 फोर्ट माँ दुर्गा जो कि बन रही है फॉर नेक्स्ट वीक 2024 की माँ दुर्गा अपने सौम्य रूप के साथ अगले हफ्ते प्रकट हो जाएंगी। खिचड़ी के लिए लाइन देख पा रहे हो। बंगाली लोगों का फेवरेट होता है खिचड़ी, वो भी दुर्गा पूजा टाइम में तो और ज़्यादा। लम्डिंग का क्राउड आ चुका है एज यू कैन सी। शुभो महालय गाइस, आज है महालय। तो महालय बंगालीज के लिए क्या होती है, वो एक इमोशन है। सुबह सुबह उठ के वीरेंद्र कृष्णा के गाना सुनना, हर पैलेस में जाके खिचड़ी खाना और माँ दुर्गा के मूर्ति को देखना जो कि एक हफ्ते बाद अपने सिंहासन पे विराज होंगी अपने सौम्य रूप के साथ। सो आप मेरे पीछे जो मूर्ति देख पा रही है वो बन रही है फॉर नेक्स्ट वीक। सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज महालय फॉर बंगाली। सो शुभ महालय। सो ये है लामडिंग का शमशान जो कि शमशान। यहाँ पे भी पूजा होती है माँ काली की और इसी एक दिन ही होती है, इसे कहा जाता है शमशान काली। तो चलिए विजिट करते हैं माँ काली को। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना सुंदर डेकोरेट किया गया है। पांच मुंह वाला सांप है, शिव जी है। कौन देख के बोलेगा कि ये शमशान है। थोड़ी आगे ही मंदिर है माँ काली की, लेट्स विजिट। तो ये आप देख पा रहे हो माँ काली को, दर्शन कर लीजिए। यहाँ लामडिंग का बेल तोला जो कि नदी पार में ही है, क्या बन रहा है वो तो पता नहीं चल रहा है, पर सुबह सुबह महालय में पैंडल्स बनते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो महालय के दिन सुबह हर मंदिर में आपको खिचड़ी मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना क्राउड है, कितने लोग खा रहे हैं, पूरा एकदम मतलब भर के दे रहे हैं। और ये मंदिर आप देख पा रहे हो सामने। सो मेरा नेक्स्ट स्पॉट है उत्तर लामडिंग जो कि तिनाली कहते हैं। पीछे आप मूर्ति बन रही है देख सकते हो, तेरपाल से ढकी हुई है। एंड थोड़ी देर दूर पे ही खिचड़ी भर के एकदम दे रहे हैं, दिखाते हैं आपको। अरे मुझे। सो अभी मैं आ चुका हूँ न्यू कॉलोनी के रेलवे कोई एक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पैंडल बन रहा है।
रेलवे रिक्रूटमेंट कुछ एक है, और यहाँ पे आप बंदर भी देख सकते हो कितने उत्पात मचा रहे। पहले लामडिंग में बंदर थे नहीं, अभी कहाँ से आ गए। तो यहाँ का माहौल थोड़ा शांत है, तो चलिए थोड़ा न्यू कॉलोनी की तरफ जाते हैं, वहाँ का भी देख लेते हैं पैंडल। सो अभी आ चुका हूँ मैं न्यू कॉलोनी, और यहाँ पे भी क्या बनेगा वो नहीं पता, बट ऐसे ही रखे हैं, शायद कुछ अच्छा ही बनता है यहाँ पे। यहाँ भी माहौल थोड़ा शांति है, ये है लामडिंग का कुमार बाड़ी, यहाँ से ही 90% मूर्तियाँ बन के जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर जगह पर मूर्तियाँ हैं, सब बन रही है फॉर नेक्स्ट वीक। यहाँ चेहरा बन चुके हैं, कुछ कवर है, कुछ बनना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है बाज़ार, लामडिंग बाज़ार, जो कि ठाकुर बाड़ी है। ये यहाँ पे बना रहा है इस बार इस्कॉन, नेक्स्ट वीक तक रेडी हो जाएगी। तो पैंडल होपिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए आए आए वही अच्छा लगता है, आने से ही बस 3 दिन में ही चली जाती है। तो ये है लामडिंग का JKS, और यहाँ पे हमेशा ही स्पेशल मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ऐसे महालय के टाइम पे पैंडल होपिंग एंड मूर्तियाँ का दर्शन करना, जो अधूरी मूर्तियाँ वो देखना अच्छा लगता है। ऐसे ही अच्छा लगता है कि पूजा के पहले माँ आए आए, वही इंतज़ार अच्छा है। एक बार वो आ जाती है तो लाइक 3 डेज हाउ इट गोज पता ही नहीं चलता, एंड शी गोज। सो यही इंतज़ार बहुत अच्छा लगता है। सो ये मेरे घर के बगल में ही है, ये है मिस्त्री पट्टी का पैंडल, और ये बन रहा है, ये कुछ ही टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ कल काली पूजा हुआ है एंड मूर्ति आप देख पा रहे हो। सो ये कल या परसों में यहाँ काली माँ की मूर्ति विसर्जित हो जाएगी, एंड देन हमारी और आपकी माँ, सबकी माँ, माँ दुर्गा यहाँ विराजमान होगी फॉर 4 to 5 days, एंड देन वो भी चली जाएगी। सो वेटिंग फॉर द डे व्हेन शी विल कम। सो ये है रामकृष्ण मिशन, और इसके बगल में ही है ये चंडी मंदिर, जिसे कहा जाता है माँ दुर्गा के एक और रूप। यहाँ पैंडल है और इधर ही बनती है मूर्ति। सो लेट्स विजिट इट, देखते हैं माँ दुर्गा कैसी बनी है। तो यहाँ पे लगी हुई है पर्दा, और मैं थोड़ा पर्दा हटा के माँ को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माँ को। सो माँ ने अपने आप को येल्लो में ढाला है, येल्लो चेहरा में, जो कि मेरा फेवरेट है। तो नेक्स्ट वीक तक वो बन के रेडी हो जाएगी। सो ये है हनुमान मंदिर का मूर्ति, यहाँ काली मूर्ति आप देख पा रहे हैं, और साइड में माँ दुर्गा बन रही है, नेक्स्ट वीक रेडी हो जाएंगी। सो महालया 2024 का मेरा ये आखिरी पैंडल है, और ये है जागृति शोंगो का। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन लोगों ने पैंडल बनाना शुरू किया है, और मैं एज यूजुअल बोल नहीं सकता कि क्या बनने वाला है। तो यही मेरा आखिरी एंड फाइनल है महालय के लिए। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगे, एंड शुभो महालया।